आरएसएस यानी संघ ने एक बार फिर से अखंड भारत की मांग को सामने रखा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसा कोई हफ्ता या दिन नहीं गुजरता जब देश के किसी हिस्से से ऐसी खबरें नहीं आती कि एक दल किसी को खाने से रोक रहा है, एक दल किसी को मंदिर के बाहर तरबूज बेचने से रोक रहा है। ये सब आपको लग रहा है कि जानबूझकर कोई कर रहा है, साजिश है, षड्यंत्र है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, हर बात पे अल्पसंख्यक समुदाय को पीड़ित बताने की कोशिश की जाती है। क्या बोला तूने? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे गोदी मीडिया की पोल और बात करेंगे रवीश कुमार की सच्ची पत्रकारिता के बारे में। इससे पहले आपको बता दें कि भारत आर्थिक हालातों से गुजर रहा है और मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका धर्म के आधार पर नफरत के मानसिक सुख से गुजर रहा है। नफरत की इस राजनीति में गोदी मीडिया कैसे हिंदू मुसलमान कर आपको मूर्ख बना रहा है, वहीं रवीश कुमार जैसे पत्रकार गोदी मीडिया की पोल खोलने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए वीडियो में। भारत में इस्लामोफोबिया का नैरेटिव चलाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि सच्चाई ये है ही नहीं। और हिंदू खतरे में है जब... नहीं मानता। कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है हिंदुस्तान में, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहीं सेफ है भी। आप आरोप ये लगाते हैं मुसलमान जो है वो खतरे में है। खतरे में कोई नहीं है। अब भी कहेंगे हिंदू खतरे में नहीं है तो मैं 50 बार बोल रहे हैं। भारत आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है और मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका धर्म के आधार पर नफरत के मानसिक सुख से गुजर रहा है। भाई गौरव कह रहे हैं कि रामनवमी बनाना पाप है, घर में सांप है, सपोले हैं घर में। चुप कर बे कुत्ते। नफरत की इस राजनीति ने दोनों समुदायों को किस तरह एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की है आप देख रहे हैं। रामनवमी की यात्राओं पर उपद्रव मोदी के खिलाफ एक साजिश है। What? हो सकता है कि इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई हो। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बीजेपी का ये भी आरोप है कि हार पर हार से बौखला गई कांग्रेस, हिंसा वाली स्क्रिप्ट लिख रही है, उस पे काम भी कर रही है। मैं समझ सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी को आप पसंद नहीं करते, उसके कई कारण हो सकते हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। कोई कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर रखती है और चुनाव बार बार जिताती है। देश के प्रधानमंत्री का अपमान क्यों किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का डंका अब पूरी दुनिया में बजता है। सबका भारत बनाने के नाम पर एक तरफा भारत बनता लग रहा है। तो आप अगर हिंदुओं के साथ हैं, पीड़ित पक्ष के साथ हैं, तो दंगाइयों पर बुलडोजर के खिलाफ क्यों हैं? बुलडोजर जब चल रहे हैं तो अपराधियों के खिलाफ क्या इंतजार किया जाएगा? चुप, बिल्कुल चुप। बुलडोजर ही बेटर है ना, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कि कम से कम इंसाफ तो हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को ध्यान में रखिएगा, तब आप मामले को समझ पाएंगे। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बदले जुर्माना का नोटिस भेजने के लिए एक पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जहां दोष साबित किया जाता है, फिर नोटिस दिया जाता है। क्या ये शोर इसलिए है कि धर्म की आड़ में सरकारें अपनी नाकामियों पर पर्दा डालती रहें और मनमानियां होती रहें? क्या धर्म के आगे सारे तर्क ढेर हो जाते? यही सबसे बड़ा फर्क है और इसीलिए मैं कहता हूं फर्क साफ है, पहचानने की आपको आवश्यकता है। नमस्कार।